नमस्कार, आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे, इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह अद्भुत क्रमांक बहुत ही सुंदर वृतांत होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे रहस्य के विषय में, एक ऐसी जानकारी के विषय में जो कि प्रत्येक अनन्य भक्त को प्रतीक्षा रहती है कि कब मेरे जीवन में ये दिवस आएगा। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। क्रमांक को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपने अपने इस चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड को स्नेह और सहयोग प्रदान किया है और सफल बनाया है, उसी क्रम में आगे कार्य करते हुए आज हमने एक नए चैनल का निर्माण किया है, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। और यही आशा करते हैं, यही अपेक्षाएं रखते हैं आप सबके स्नेह की, कि आप इसी प्रकार से अपना स्नेह और सहयोग हमारे उस दूसरे चैनल पर भी बनाए रखेंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को प्यार देना मत भूलिएगा। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। आज का ये क्रमांक जिन जिन अनन्य भक्तों तक पहुंच रहा है, जिन जिन अनन्य दर्शकों तक पहुंच रहा है, सबसे पहले उन्हें मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि महाराज जी के वक्तव्य, महाराज जी की जानकारी, महाराज जी के सभी वृतांतों का आप सभी श्रवण कर रहे हैं और एक बहुत ही अद्भुत और बहुत बड़ी उपलब्धि आपके जीवन के लिए सिद्ध होने वाली है। ऐसा क्यों है? देखिए, महाराज जी के जो अनुभव हैं, महाराज जी की जो शिक्षाएं हैं, महाराज जी की जितनी भी कथाएं हैं, वो सारी यदि आप तक पहुंच पा रही है, आप उन्हें उतना ही स्नेह कर रहे हैं, समझ जाइएगा कि आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तनकारी समय चल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सभी के बहुत सारे व्यक्तिगत अनुभवों से एक बात बड़ी स्वच्छ तौर पर निकल कर आती है कि यदि महाराज जी से आपका जुड़ाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो ये पहली चरम सीमा है जहां पर महाराज जी के अद्भुत सानिध्य की आपको प्राप्ति होने वाली है। और ये बात शत प्रतिशत सत्य है कि जो भी अनन्य भक्त महाराज जी के स्वरूपों के किसी भी क्रम में दर्शन कर रहा है, अर्थात महाराज जी के छवि चित्र आपको बार बार दिख रहे हैं, महाराज जी की कथाओं का श्रवण करने का मौका आपको मिल रहा है, और इन सारी कथाओं में महाराज जी के स्नेह का, जिसके लिए हर अनन्य भक्त बहुत प्रार्थी रहता है, बहुत बड़ी अपेक्षाएं रखता है, और ये अनुभव आपको अगर मिल रहे हैं, समझ जाइएगा कि ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। जैसे कल के क्रमांक में मैंने आपको बताया था, ये प्रयास किया था कि कुछ भी आपके जीवन में बेवजह घटित नहीं होता है, तो इतनी बड़ी जो उपलब्धि आपके जीवन से जुड़ने जा रही है, वो बेवजह कैसे हो सकती है? ये सब कुछ महाराज जी से होकर आप तक पहुंच रहा है। निसंदेह इस बात पर आपको विश्वास करना चाहिए कि आप यदि महाराज जी से किसी भी स्वरूप के चलते जुड़ रहे हैं, और ये जो घनिष्ठता है, ये जो स्नेह है, दिन प्रतिदिन क्षण क्षण बढ़ता जा रहा है, और आपको चारों दिशाओं में केवल और केवल महाराज जी ही प्रतीत हो रहे हैं, समझ जाइएगा कि आपको महाराज जी का ये सानिध्य मिल रहा है, मिल चुका है, और आने वाले समय में ये घनिष्ठता, ये स्नेह और महाराज जी की कृपाएं यूं ही आपके ऊपर बरसती रहेंगी। आपके साथ साथ आपके परिवार जन भी इससे अछूते नहीं रह जाएंगे। सभी का कल्याण महाराज जी की बहुत संपूर्ण जिम्मेदारी बन जाता है। बात करते हैं क्रमांक के दूसरे चरण की ओर, कि महाराज जी से जुड़ने वाले हर एक अनन्य भक्त के जीवन में एक चमत्कार अवश्य घटित होता है। वो चमत्कार क्या है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि आप यदि आध्यात्म में धीरे धीरे गति कर रहे हैं, आध्यात्म आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो कि नास्तिक स्वरूप का भी क्यों ना हो, ऐसा व्यक्ति भी ईश्वर का परम दास एक दिन अवश्य बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिसने कभी मंदिर के दर्शन नहीं किए हों, ऐसा अनन्य भक्त कई प्रहर ईश्वर के चरणों में ही समर्पित रहता है। तो जब इतनी बड़ी उपलब्धियां व्यक्ति के जीवन में जुड़ती हैं, तो समझ जाइएगा कि आपके साथ जो ये चमत्कार हो रहे हैं, एक ना एक दिन आपको महाराज जी के धाम लेकर निसंदेह जाएंगे। ये बात तो आप मान लीजिएगा कि शत प्रतिशत आप श्री कैजी धाम, महाराज जी के धाम के दर्शन करने अवश्य जाने वाले हैं।
अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, वो प्रश्न भला क्या हो सकता है। बहुत से अनन्य दर्शक, बहुत से श्रोतागण एक बात यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये इच्छा तो मेरी भी है, मैं भी महाराज जी के दर्शन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन जिस प्रकार से हमारे जीवन की स्थितियाँ हैं, जिस प्रकार की परिस्थिति से इस समय हम गुजर रहे हैं, ये स्वप्न तो सच होता हुआ दिख ही नहीं रहा। चारों दिशाओं से जीवन में अंधकारमय समय चल रहा है, लेकिन इस अंधकारमय समय में ऐसी दीपक प्रज्वलित करने वाली जो बात है, ये हमारे जीवन में कैसे पूर्ण हो सकती है। देखिए, आज जो आपको हालात अपने जीवन में दिख रहे हैं, आज जो ये परेशानी का अनुभव आप अपने जीवन में कर पा रहे हैं, ये समय सदैव ऐसा नहीं रहने वाला, ये तो समय का उतार चढ़ाव है जो आज जीवन में हो रहा है। और अगर हम दूसरी ओर भी बात करें कि आप महाराज जी से जुड़ चुके हैं या जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आपको ये अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक बात बताना चाहता हूं जो कि आपके इस प्रश्न का बहुत सटीक उत्तर हो सकता है। वो क्या है कि जब जीवन में विषम समय चल रहा होता है, ऐसी विषम परिस्थिति में, ऐसे विकट समय में केवल और केवल महाराज जी ही आपको उभारते हैं। और ये वो परीक्षा का समय होता है जब व्यक्ति चारों दिशाओं से हार मान चुका होता है। ऐसे में ही महाराज जी नामक एक ऐसे दिव्य सूर्य का उदय व्यक्ति के जीवन में होता है जो कि जीवन के सारे विकट समय रूपी अंधकार को विलय करके एक सत्य का उदय आपके जीवन में करता है। अब कहने का आशय यहां पर यह बनता है कि आप व्यवस्थाओं की चिंता क्यों करते हैं, यह आपका काम नहीं है। सही मायने में यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो केवल यह है कि महाराज जी के सानिध्य का अनुभव करना, अपनी प्रार्थनाएं महाराज जी को प्रेषित करना, अपने मन की एक एक इच्छा महाराज जी से कहना, और ये होगा कैसे ये सोचना आपका बिल्कुल कार्य नहीं है। हम जीवन में सबसे बड़ी गलती यही तो कर बैठते हैं कि हम अपनी परेशानी का हल स्वयं ही ढूंढने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि क्या आप जीवन की सारी घटनाओं को, जीवन में होने वाले सारे अच्छे बुरे सारे अनुभवों को क्या आप नियंत्रित कर सकते हैं? क्या आप इतने शक्तिमान हैं कि सारी स्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं? जब ये प्रश्न स्वयं से पूछेंगे तो आपका मस्तिष्क सबसे पहले आपको जवाब देगा कि नियंत्रण तो हमारे हाथों में है ही नहीं। और यहाँ पर एक उत्तर अपने आप में जन्म लेता है, वो उत्तर ये है कि जब नियंत्रण तेरे हाथ में है ही नहीं, तो तू नियंत्रित करने का प्रयास क्यों करना चाहता है? जो कार्य तेरे हाथ से हो ही नहीं सकता, ऐसे कार्य को सोचकर परेशान होना, ऐसे कार्यों को जीवन में नियंत्रित करके अपने अनुकूल बनाना और इस चीज का प्रयास करना तेरे बस की बात नहीं है। तो इसीलिए इस काम को उसी पर छोड़ दे जिसका ये काम है, अर्थात जीवन में क्या होना है, कैसे आपको इस परिस्थिति से महाराज जी बाहर निकालेंगे, ये काम महाराज जी का है, ये उन पर छोड़ दीजिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि व्यवस्थाएं बनाना भी आपके हाथ में नहीं है, सारी व्यवस्था महाराज जी स्वयं बनाते हैं। जिस भी अनन्य भक्त को महाराज जी अपने धाम बुलाना चाहते हैं, वैसे तो जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी भक्तजन इस चैनल के माध्यम से महाराज जी से जुड़े हुए हैं, जहां जहां तक भी ये क्रमांक पहुंच रहा है, उन सबको मैं इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप योजना मत बनाइए, आप कुछ मत करिए, योजना भी महाराज जी बनाएंगे और आपको इस बात का आभास भी कराएंगे कि एक समय वो था जिस समय मैं ये घर पर बैठ के सोच रहा था कि मैं इतना दूर रहता हूं या मेरे जीवन की ये परेशानियां हैं, मैं तो धाम जा ही नहीं सकता, असंभव है। ये बात महाराज जी आपको अनुभूति कराएंगे श्री कैंची धाम में, जिस दिन आप बैठे होंगे महाराज जी के विग्रह के समक्ष। ये प्रश्न आप अपने आप से जरूर पूछेंगे कि एक समय वो था कि घर पर बैठ के मैं ये बात सोच रहा था या सोच रही थी कि कैसे जाया जाएगा, और आज का ये दिन है जो मेरे जीवन का सबसे अद्भुत दिन है कि आज मैं महाराज जी के धाम में महाराज जी के समक्ष बैठा हूं या बैठी हूं। उस दिन आप अपनी आंखों से अश्रु रोक नहीं पाएंगे और उस दिन अनुभव होगा महाराज जी की सबसे अद्भुत कृपा का कि महाराज जी हैं तो इस जीवन में सब कुछ हो सकता है, असंभव जैसा शब्द आपके जीवन से विहीन हो जाएगा और बरसेगी महाराज जी की अद्भुत कृपा जो आपको कृतार्थ करके एक नवजीवन की प्राप्ति कराएगी।
तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए लाभान्वित करने वाला हो, इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।